हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है डिंपल निधि के किचन में। तो फ्रेंड्स, बहुत से लोग बोलते हैं जब भी आप किचन का कोई चीज़ बनाती हैं तो आप अपना फेस नहीं दिखाते, तो मैंने सोचा कि आज आपको स्टार्टिंग में अपना फेस दिखा दे रही हूँ। भाई मैं ही बनाती हूँ और आज मैं बनाने जा रही हूँ आटे वाले गोंद का लड्डू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 किलो गेहूँ का आटा, 100 ग्राम 150 ग्राम बादाम और एक 200 ग्राम शायद कसी हुई गरी है, और ये है खाने वाला गोंद। और मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम मखाना और ये है जिंजर पाउडर यानी सोंठ पाउडर। तो चलिए सबसे पहले पैन में हम डालेंगे देसी घी। देसी घी डालकर हम खाने वाले गोंद को सबसे पहले तलेंगे। चाहे आप थोड़ा थोड़ा तलिए या घी ज़्यादा डाल के आप एक बार में तल लीजिए जैसा आपको लगे, क्योंकि बाद में घी बहुत काली हो जाती है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ही डालकर तलेंगे। जैसे चिप्स तलते हैं मीडियम फ्लेम पर तलिएगा, नहीं तो जल जाता है और अंदर बहुत हार्ड होता है, क्योंकि गोंद ये तो बिल्कुल नहीं दांत से टूटता है। इसलिए खूब अच्छे से घी डालकर इसको तल लीजिए मीडियम फ्लेम पर। देखिए कैसे फूल के निकल आता है बिल्कुल। तो ये यहाँ पर हमने कच्चा गोंद, सॉरी खाने वाले गोंद को मैंने तल लिया है, और इसमें जो बची हुई घी थी इसमें अब हम बादाम को तल लेंगे। देखिए बादाम हमारा सुनहरा हो गया है, अब हम बादाम को भी निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मखाना। मखाने को भी मीडियम फ्लेम पर ही अच्छे से 5 मिनट तक सेक लेंगे। देखिए मखाना भी हमने सेक लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कसी हुई गरी 2-3 मिनट तक, इसको भी हम हल्का सा सेक के निकाल लेंगे। और इसमें अब हम डालेंगे जिंजर पाउडर और 2 चम्मच हल्दी, क्योंकि हल्दी बहुत फ़ायदा करती है, तो इसलिए हल्दी आप लोग ज़रूर डालिएगा। और इसको एकदम मीडियम फ्लेम करके अच्छे से सेक लीजिएगा, जिससे हल्दी का कच्चापन निकल जाए और हल्दी पक जाए। देखिए यहाँ पर हमारा हल्दी और जिंजर पाउडर भी सिक गया, अब हम इसको भी निकाल लेंगे। और फिर हम पैन में देसी घी 1 चम्मच डालते हैं और जो हमारा आटा है इसको हम अच्छे से भून लेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से आटे को सेकिएगा जैसे पंजीरी वगैरह में आटा भुना जाता है, उसी तरीके से लड्डू में आटे भूनना जाता है, क्योंकि बहुत अच्छा टेस्ट होता है और बहुत फ़ायदा भी करता है। जाड़े में ज़रूर खाना चाहिए लड्डू, और वैसे भी मखाने में तो भरपूर कैल्शियम पाया जाता है, तो इसलिए ये सब चीज़ जाड़े में बहुत फ़ायदा करती हैं शरीर को, हड्डियों को, तो इसलिए सब लेडीज़ बच्चे जेंट्स सबको खाना चाहिए। तो हम इस सबको अब मिक्सी में पीस लेंगे। मखाना देखिए हमारा पीस गया यहाँ पर, और ये हमारा इसको नहीं पीसना है, और ये हमने पीस लिया है गोंद खाने वाला, और ये हमारा है बादाम। सिर्फ कसी हुई गरी को नहीं पीसना है, बाकी सब पीस लेना है। तो आटे में सबसे पहले हम मिलाएंगे पिसा हुआ मखाना, देखिए कसी हुई गरी, बादाम और हल्दी सोंठ, इसको हम अच्छे से मिलाकर मिक्स कर लेंगे। ये हमारा खाने वाला गोंद, ये गोंद बहुत फ़ायदा करता है, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमने यहाँ पर 3 पाव से ऊपर ही हमने गुड़ लिया है, ये मेरा तिल वाला गुड़ है, अगर आप चाहें तो प्लेन गुड़ भी ले सकते हैं। तो इसका हम पहले बनाएंगे पाग, ये ऑप्शनल है, लेकिन गुड़ ज़्यादा फ़ायदा करता है इसलिए मैं यहाँ पर गुड़ का बना रही हूँ, नहीं तो आप भूरा भी डाल सकते हैं। जैसे कभी कभी डिलीवरी वगैरह में भी पहले ये लड्डू खूब खाने को मिलते थे, कहीं भाभी लोगों को या किसी को भी, अपने घर में ही बच्चे होते तो खूब बनता था, लेकिन अब तो ये लड्डू इतना फ़ायदा करता है कि हर साल हम लोग जाड़े में बनाते हैं और खाते हैं। तो सबसे पाक बनाएंगे गुड़ का, तो गुड़ का पाक बनाना बहुत ईजी है, 2-3 मिनट में बन जाता है। जब तक एक तार ना इसमें निकल आए बस तब तक आप इसको ऐसे चलाते रहिए। तो देखिए यहाँ पर एक तार हमारा बनने लगा है। अब हम इसको पाग को इसमें मिला देंगे आटे में। मिक्स
मिलाकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये बहुत अच्छा बहुत स्वादिष्ट लड्डू बनता है। और फ्रेंड जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगे आगे ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो इसको अच्छे से ऐसे हम बहुत गर्म होता है आराम से अच्छे से किसी पैन जैसे हम पैन वगैरह से किसी भी चीज़ से आप जो है अच्छे से पलटे से आप मिक्स कर लीजिए। थोड़ा ठंडा हो जाए तब आप हाथ से मिलाइए। घी तो बहुत ज़्यादा मिला लेकिन फिर भी थोड़ा सा घी डालने से बंधने लगता है। और हाथ में अच्छे से ऐसे घी लगा के और अच्छे से मिक्स करके देखिए कितना बढ़िया लड्डू बनने लगा। मैं तो उतने अच्छे से एक हाथ से बना रही थी क्योंकि एक हाथ से कैमरा पकड़ी थी। दीदी दोनों हाथों से फटाफट लड्डू बना रही थी। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, जाड़े में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो आई होप मेरी वीडियो भी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो देखिए मेरा लड्डू बन के रेडी हो गया। कितना अच्छा कितना स्वादिष्ट लड्डू है। जब आप बनाएंगे खाएंगे तो आपको खुद लगेगा अरे वाह ये तो बहुत अच्छा बहुत इजी है। तो यहाँ पे देखिए मैं खा रही हूँ लड्डू। आई होप मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई। थैंक यू।